आज हम लोग इस लेक्चर में रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जनन स्वास्थ्य के बारे में ये लेक्चर टू है, इसके पहले लेक्चर वन हमने पढ़ा दिया आपको, ठीक, क्लियर है। अब आते हैं इसमें मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको हम EMTP के नाम से जानते हैं। क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसको शॉर्ट में EMTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी शॉर्ट में EMTP कहते हैं। ये है क्या? प्रेगनेंसी कंप्लीट होने से पूर्व, यानी मदर के बॉडी में 9 महीने, 10 दिन या 20 दिन का जो एम्ब्रियो बनता है, वो शुरुआत की अवस्था में लिखा है, प्रेगनेंसी कंप्लीट होने से पूर्व या पहले स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को, मतलब प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया जाए या समाप्त कर दिया जाए, उसको हम क्या कहते हैं? EMTP कहते हैं। फिर से एक बार देखिए, प्रेगनेंसी कंप्लीट होने से पूर्व या पहले स्वैच्छिक, ध्यान रखेंगे, स्वैच्छिक रूप से गर्भ यानी प्रेगनेंसी के समापन टर्मिनेशन को EMTP कहते हैं। समझ रहे ना? ध्यान रखेंगे, ये वर्तमान में इस पर बैन लगा है। अब देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, लीगलाइज्ड EMTP इन 1971, यानी जो भारत सरकार के अनुसार 1971 में EMTP लीगलाइज था, विच सम कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशन के साथ था, तब इसको लोग क्या करते थे? टू मिसयूज। जब भारत सरकार, जो भारत सरकार के अनुसार 1971 में ये लीगलाइज था, लेकिन कुछ शर्तों के साथ, जिसका लोग मिसयूज करते थे, वर्तमान में इस पर बैन लगा हुआ है। ध्यान रखें, EMTP आर कंसीडर्ड रिलेटिवली सेफ, कह रहा है EMTP आर कंसीडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमिस्टर अप टू 12 वीक्स, यानी प्रेगनेंसी के शुरुआत के 12 वीक, ध्यान रखेंगे, यानी कम से कम आपका 3 महीने, प्रेगनेंसी के 3 महीने के अंदर अगर इसका EMTP कराते हैं तब तो सेफ है, लेकिन लिखा सेकंड ट्राइमिस्टर एबॉर्शन आर मच मोर रिस्क, ज़्यादा रिस्की है, यानी मदर की जान जा सकती है और बच्चे बेबी को भी जान जा सकती है। अब लिखा एन अदर डेंजरस ट्रेंड्स इज द मिसयूज ऑफ एमिनोसेंटेसिस, मतलब इसका तो मिसयूज करते ही हैं लोग, लेकिन एक अन्य विधि भी है। लिखा एन अदर डेंजरस ट्रेंड्स इज द मिसयूज ऑफ अमीनोसेंटिसिस, मतलब अमीनोसेंटिसिस एक ऐसा प्रोसेस है, आगे पढ़ेंगे, टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड, ऐसा बच्चा जो अनबॉर्न हो, बेबी हो, और उसके जो सेक्स का या पोजीशन का या उसके जेनेटिकल डिजीज की अगर हम पता करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? अमीनोसेंटिसिस कहते हैं। आगे पढ़ेंगे अमीनोसेंटिसिस, ठीक है। अब यहाँ लिखा है, देखिए अमीनोसेंटिसिस क्या है? इम्ब्रियो की पोजीशन, जेनेटिकल स्टेटस, मतलब उसमें कोई जेनेटिकली बीमारी तो नहीं है, सेक्स ज्ञात करना, मतलब इम्ब्रियो का पोजीशन, जेनेटिकल स्टेटस और सेक्स, उसका लिंग, मतलब मेल या फीमेल ज्ञात करना अमीनोसेंटिसिस कहलाता है। दिस मेथड, मतलब यह विधि, ध्यान रखेंगे, बैन इन प्रजेंट टाइम, इस पर बैन लगा हुआ वर्तमान में ड्यू टू मिसयूज के कारण वर्तमान में इस पर बैन लगा। इसकी जाँच अमीनियोटिक फ्लूड, यानी मदर के बॉडी में जो एम्ब्रियो जहाँ रहता है उसके बाहर 4 लेयर होते हैं, कोरियन, लेंटवाइस, एमियन, 4 लेयर होती है, उसमें एक अमीनियोटिक फ्लूड के द्वारा होता है, उसी अमीनियोटिक फ्लूड निकाल करके जांच कर लेते हैं। क्लियर हुआ इतना? अब आप देखिए इनफर्टिलिटी क्या है। इनफर्टिलिटी लिखा है सम टाइम्स कपल डू नॉट प्रोड्यूस एंगल, कभी कभार जो है मेल और फीमेल दोनों जो है किसी बच्चे का जन्म नहीं दे पाते हैं, अर्थात ऐसे कह लीजिए किसी बेबी का जन्म नहीं दे पाते हैं, उसको क्या कहते हैं? इनफर्टाइल कहते हैं। और जो देते हैं यंग वंस, लिखा है समटाइम्स कपल डू नॉट प्रोड्यूस यंग वंस, अगर यंग वंस का प्रोडक्शन नहीं, प्रोड्यूस नहीं करते हैं तो इनफर्टाइल, अगर करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? फर्टाइल कहते हैं।
क्या कहते हैं, फर्टाइल कहेंगे, ध्यान रखेंगे। अब लिखा है कॉल्ड इनफर्ट, इसको प्रक्रिया को इनफर्टिलिटी कहते हैं। अब लिखा है सम टेक्नोलॉजी आर यूज्ड, मतलब जो यंग वंस नहीं दे सकते अर्थात जो इनफर्टाइल हैं, सम टेक्नोलॉजी कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी यू टू सम टेक्नोलॉजी आर यूज्ड टू प्रोड्यूस यंग वंस, मतलब जो कपल्स यंग वंस का जन्म नहीं देते हैं अब ऐसी कोई टेक्निक का कुछ टेक्निक आ गया है जिसके द्वारा यंग वंस का जन्म दे सकते हैं। लिखा है सम टेक्नोलॉजी आर यूज्ड टू प्रोड्यूस यंग वंस, दिस इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड क्या, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब आते हैं इसमें कई विधि है जिसमें से पांच यहां पर लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से इसको पढ़िए। पहला IVF, इसको कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF को कहते हैं, क्या कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। दूसरा है ZIFT है, तीसरा है GIFT है, चौथा है ICS है, पांचवा है AI है। ये सभी ऐसी विधि है जो कपल्स के द्वारा यंग वंस का जन्म हो सकता है। अब देखिए इसमें IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लिखा है। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मेल और फीमेल गैमिट का फ्यूजन होता है, क्या होता है, मेल और फीमेल गैमिट का फ्यूजन होता है, इसको ध्यान रखेंगे, फर्टिलाइजेशन कहलाएगा, ठीक है। अब लिखा है फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म्स एंड ओबम्स इन लैब, ध्यान रखेंगे, या ग्लास, अगर मेल और फीमेल गैमिट का फ्यूजन जो है किसी ग्लास ट्यूब में होता, ऐसे ग्लास ट्यूब है इसमें मेल और इसमें फीमेल, इसमें अगर फ्यूजन होता हो तो उसे ग्लास ट्यूब है इसमें होता हो तो उसको क्या कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जब मेल और फीमेल गैमिट का फ्यूजन जो है वो लैब में हो या किसी ग्लास में हो तो उसको क्या कहते हैं, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसी को दूसरे नाम से टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जानते हैं, आगे आप पढ़ेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी, किस नाम जानते हैं, इसी को टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम। अब आप देखिए स्पर्म कोई जिसका स्पर्म बेहतर होगा, जो डोनर होगा, यानी डोनर से हम स्पर्म प्राप्त कर सकते हैं, और ओबम भी एक जो भी डोनर ही होगा, यानी डोनर दो तरह के, मेल भी डोनर हो सकता है, फीमेल भी डोनर हो सकते हैं, मेल डोनर जो होगा वो स्पर्म देगा, फीमेल डोनर जो होगा वो ओबम देगा, तो स्पर्म और ओबम मिल जाएगा, हम किसी टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे, ठीक, और उसके बाद कलेक्ट कर लेंगे, स्पर्म को भी कलेक्ट, ओबम को, और दोनों को किसी टेस्ट ट्यूब में ऐसे हम स्पर्म और ओबम दोनों को हम मिला देंगे और इसी में फ्यूजन, इसके क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन 2N हो जाएगा, ये स्पर्म N है, हैप्लॉयड है, ये भी हैप्लॉयड है, 2N हो जाएगा, यानी स्पर्म डोनर मेल डोनर से स्पर्म प्राप्त कर लीजिए, फीमेल डोनर से ओबम प्राप्त कर लीजिए, और दोनों हैप्लॉयड है, स्पर्म ओबम, और दोनों किसी टेस्ट ट्यूब में रखकर फर्टिलाइज फ्यूजन करा दिया जाए तो फिर क्या बन जाएगा, जायगोट, जो डिप्लॉयड जायगोट बन जाएगा, और ये जायगोट जो है क्या चीज़, उसी टेस्ट ट्यूब में रहेगा और डिवाइड होकर के 32 सेल इम्ब्रियो बनाएगा, क्या बनाएगा, 32 सेल इम्ब्रियो, और 32 सेल की अवस्था में ट्रांसफर इन रेसिपिएंट यूट्रस, यानी कोई फीमेल होगी जो रेसिपिएंट है उसके यूट्रस में इस अवस्था में 32 सेल की अवस्था में उस इम्ब्रियो को ट्रांसफर कर देते हैं, इसको क्या कहते हैं, इंट्रायूटेराइन, क्या कहते हैं, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर कहते हैं, ध्यान रखेंगे। अगर 32 सेल की अवस्था में इम्ब्रियो को रिसिपिएंट के यूट्रस में ट्रांसफर करना क्या कहलाता है, IUT कहलाता है, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर कहलाएगा। अब आते हैं जेप्टी, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब, क्या कहते हैं इसको, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब के बारे में लिखिए, जब स्पर्म यानी मेल डोनर से स्पर्म प्राप्त होगा, फीमेल डोनर से ओवम प्राप्त होगा, यानी स्पर्म भी हैप्लॉयड है, मैं बता चुका हूँ, ओवम भी हैप्लॉयड है, बता चुका हूँ, और स्पर्म और ओवम प्राप्त कर लिया जाता है और इसके बाद इसको फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, ये भी किसी ट्यूब में ही रखकर कराया जाता है, ये भी किसी ट्यूब में ही रखकर कराया जाएगा मेल, तो फर्टिलाइजेशन कराएगा जो जायगोट बनेगा, ये जायगोट 8 सेल, क्योंकि जायगोट तुरंत डिवीजन स्टार्ट कर देता है, और 8 सेल की अवस्था में यानी 8 सेल का एम्ब्रियो ट्रांसफर इन रिसिपिएंट यूट्रस, यानी जो जायगोट बनता है अगर वो 8 सेल की अवस्था में रिसिपिएंट के यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं तो इसको हम कहते हैं ZIFT, क्या ना कहते हैं, ZIFT मतलब जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर कहते हैं। लेकिन यही अगर इम्ब्रियो 32 सेल की अवस्था में ट्रांसफर करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर कहते हैं। दोनों याद रखेंगे, 32 सेल की अवस्था में ट्रांसफर हुआ तो IUT होगा, 8 सेल की अवस्था में ZFT होगा। अब आते हैं GIFT, गैमिट ट्रांसफर फैलोपियन, गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, क्या है, गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अब आता है ये क्या हो, गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर में इसको GIFT कहते हैं, जो फीमेल जो डोनर है वो फीमेल, ठीक, अगर किसी डोनर फीमेल से इन फैलोपियन ट्यूब
ऑफ रिसिपियंट फीमेल, ध्यान रखिएगा क्या कहा गया है, गैमीट इंट्राफेलोपियन, यानी किसी मेल्स, ध्यान रखें आप, डोनर फीमेल इन फैलोपियन ट्यूब ऑफ रिसिपियंट फीमेल, यानी आप इसमें जो मेल और फीमेल गैमिट को सीधे जो है किसमें फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है, यानी मेल और फीमेल गैमिट सीधे जो है रिसिपियंट फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया, उसको क्या कहते हैं, गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर कहेंगे। अब आते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब आप ध्यान दीजिए, व्हेन स्पर्म डायरेक्टली इंजेक्टेड, अगर कोई स्पर्म है वो डायरेक्टली इंजेक्टेड टू क्या, डायरेक्टली इंजेक्टेड टू ओबम, यानी ओबम के अंदर, ओबम के साइटोप्लाज्म, ओबम इन लैब, यानी लैब में ओबम के अंदर, ओबम के साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली अगर स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया जाए तो उसको कहते हैं इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ध्यान रखेंगे आप, यानी ये अगर ओबम है और ये स्पर्म है, इसका साइटोप्लाज्म है और डायरेक्टली अगर इसमें इंजेक्ट कर दिया जाता लैब में तो उसको कहते हैं इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कहते हैं। अब आते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब इसमें देखें इन विट्रो टेक्निक इनसाइड बॉडी, लिखा मेल का जो स्पर्म है वो ट्रांसफर इन यूट्रस ऑफ वजाइना ऑफ फीमेल, यानी ये ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि स्पर्म की मोटिलिटी कम रहती होगी इसीलिए फीमेल की वजाइना में ट्रांसफर करते हैं। ये सभी विधि क्या है, इस विधि के द्वारा जो है, यहाँ देखिए ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा कपल्स से यंग वंस बन सकते हैं, समझ पा रहे हैं, चाहे वो IVF हो, चाहे वो ZIF हो, ZIFT हो, चाहे GIFT हो, चाहे ICSI हो, चाहे वो AI हो, इन सभी के द्वारा जो उस कपल्स के द्वारा यंग वंस का प्रोडक्शन हो सकता है। क्लियर हो आपको?